ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के देश भर में विवाद मचा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बाद देश भर के कोने कोने में विवाद को लेकर के राज और गहराता जा रहा है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को केंद्र सरकार ने भारत में बैन कर दिया गया है, लेकिन अभी तक देश भर में इसकी स्क्रीनिंग को लेकर बवाल मचा है। आज हम जानेंगे कि आखिर क्या है ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और क्यों हो रहा है इसको लेकर के विवाद। हाल में ही भारत में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में आशंका थी कि जेएनयू के वामपंथी छात्र संघ के लोग ये डॉक्यूमेंट्री जबरन कैंपस में दिखा सकते हैं। ऐसे में जेएनयू परिसर में सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। बावजूद इसके दिल्ली और अम्बेडकर विश्वविद्यालय में डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग पर जमकर बवाल हुआ। देश भर में डॉक्यूमेंट्री पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉक्यूमेंट्री पर भारत विरोधी एजेंडा फैलाने का आरोप लगाकर जहां एक ओर भारत सरकार ने इसे बैन कर दिया, वहीं दूसरी ओर कुछ गुट ऐसे हैं जो इस विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कराना चाहते हैं। जहां एक ओर जेएनयू में इस विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होनी थी, जिसको लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी, तो वहीं दूसरी ओर हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसकी स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अब सवाल उठता है कि बैन के बावजूद भारत विरोधी एजेंडा फैलाने वाले इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की जिद आखिर है तो किसकी। बीबीसी की इस विवादित डॉक्यूमेंट्री पर किरण रिजिजू ने ट्वीट करके लिखा है कि कुछ लोग को गोरे शासक अभी भी मालिक के तरह लगते हैं, जिनका भारत पर फैसला अंतिम है, न कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला या भारत के लोगों की इच्छा। भारत में कुछ लोग अभी भी औपनिवेशिक नशा से दूर नहीं हुए हैं। वे लोग बीबीसी को भारत का उच्चतम न्यायालय से ऊपर मानते हैं और अपने नैतिक आकांक्षाओं को खुश करने के लिए देश की गरिमा और छवि को किसी भी हद तक गिरा देते हैं। तो अब जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा विवादित डॉक्यूमेंट्री। आपको बता दें कि आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में क्या है। दरअसल यह डॉक्यूमेंट्री 2002 गुजरात दंगों पर बनी है। डॉक्यूमेंट्री का पहला पार्ट रिलीज हुआ है और डॉक्यूमेंट्री का दूसरा पार्ट भी रिलीज होना है। डॉक्यूमेंट्री में 2002 दंगों की जांच का दावा किया गया है कि दंगों को लेकर गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप है। डॉक्यूमेंट्री पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यह डॉक्यूमेंट्री निष्पक्ष नहीं है, मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार है। वहीं AIMIM के प्रमुख अशरफुद्दीन ओवैसी ने भी इस डॉक्यूमेंट्री पर सवाल उठाए कि क्या गोडसे पर बनी फिल्म को बैन किया जाएगा। उन्होंने सीधा सवाल केंद्र सरकार पर उठाया, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि बीबीसी की यह डॉक्यूमेंट्री प्रोपेगेंडा पीस है। मकसद एक तरह के नैरेटिव को पेश करना है। नैरेटिव को लोग पहले ही खारिज कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट्री के पीछे एजेंडे पर लोग अब सोचने को मजबूर हैं। डॉक्यूमेंट्री में पीएम पर लगाए गए आरोपों का खंडन विदेश मंत्रालय ने किया है। डॉक्यूमेंट्री को पूर्वाग्रह से प्रेरित निष्पक्षता की कमी बताई गई है। डॉक्यूमेंट्री में औपनिवेशिक मानसिकता की झलक विदेश मंत्रालय ने बताई है। आखिर इस पूरी डॉक्यूमेंट्री पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की ताजा तरीन और दिल्ली NCR की खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर